हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी गर्मी आ रही है तो आपको कौन सी रेमेडी यूज़ करें तो आपका पेट दिन भर ठंडा रहे। तो मैं बहुत ही आसान सा नुस्खा लेके आई हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे तो आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने सौंफ का एक पाउच लिया, देखिए मेरे हाथ में ये सौंफ है, तो इसको कट कर लेंगे। इसको यूज कैसे करना है तो बिना देर किए हुए मैं फटाफट बताना शुरू करती हूँ। इसको सबसे पहले आपको मिक्सी जार में इसको पाउडर तैयार करना है। तो हमने आधा सौंफ ले लिया है, आधे का मैं इसका फाइन पाउडर तैयार करूँगी। आप सबको पता है कोई उबाल के पीता है कोई कैसे, लेकिन अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे आपको काफ़ी आसान रहेगा, आप कभी भी ले सकते हैं। तो इस तरह देखिए मेरा जो सौंफ है उसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे अब हम अच्छे से छान लेंगे, छलनी से जब छान लेंगे तो मुंह में कोई टुकड़ा वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आप मेरी ये जो तरीका है इस तरह से आप यूज़ करते हैं, इस तरह से आप लेते हैं, इसको अपनाते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और काफ़ी आराम इसलिए रहेगा कि आपको भिगोना नहीं है, उबालना नहीं है, ये सब नहीं करना, सीधा आपको इसको लेना है और पानी पी लेना है और आप दिन भर ठंडा महसूस करेंगे। देखिए पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे आपको लेना कैसे है कि जैसे एक से दो चम्मच आपको सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद दो चम्मच इसे ले लेते हैं, ये देखिए। इसके बाद आपको नॉर्मल पानी लेना है, ना गुनगुना पानी लेना है और ना ही गर्म ना फ्रिज का, सिर्फ नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं। तो उस पानी को आप देखिए दो चम्मच सौंफ को लेके और पानी पी लेते हैं सुबह सुबह, तो आपका जो पूरा दिन आपको इतना ठंडा लगेगा पेट और उसके बाद कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मी आ रही है, पानी कमी हो जाती है, तो इससे बहुत आराम मिलेगा अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, गर्मियों में सौंफ का शरबत बना के पीते थे, सौंफ को मतलब खाना खाने के बाद भी लेते हैं क्योंकि। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई करें, जिस तरह से हमने बताया है ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ये सौंफ जो है अगर आप एक बार बना के रख लेंगे तो ये आपका हफ्ते भर जरूर चलेगा। एक पाउच को आप पाउडर बनाइए और उसको एक एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख दीजिए और सुबह सुबह इसे फांक लीजिए। इसे पानी में घोल कर भी पी सकते हैं, लेकिन अगर फांक के पीते हैं तो आपको गंदा नहीं लगेगा, इसलिए आपको फांक के पीना है। तो इस तरह से आप सौंफ का यूज जरूर करें। और देखिए क्योंकि थोड़ा सा दो चम्मच ही लेना है और ये देखिए कितना परफेक्ट मेरा पाउडर बनकर तैयार हो गया। आपको कब्ज पाइल जैसी समस्या भी नहीं होगी, पानी की कमी भी नहीं होगी। आप इसे लेंगे, लगातार लेने से पेट की जो सारी गर्मी है वो चली जाती है, तो आपके शरीर में ठंडा महसूस करेंगे, स्फूर्ति महसूस करेंगे, आपको गैस नहीं बनेगी। तो इस सौंफ की रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब चलिए दूसरी रेमेडी बताती हूँ आपके पेट को ठंडा रखने के लिए। तो सबसे पहले हमने लिया है गोंद का तीरा। जो गोंद का तीरा होता है, गोंद को नहीं लेना है, इस तरह से होता है ये, और ये है धागे वाली मिश्री। तो गोंद का तीरा और धागे वाली मिश्री का ही आपको यूज करना है, ये देखिए इस तरह से होती है और ये मिश्री है और ये गोंद है, तो इसको आपको नहीं लेना है। ये देखिए इसको साइड में रख देती हूँ, ये है कतीरा और धागे वाली मिश्री। तो इसे आप लेते हैं तो आपके पेट में जो ठंडक काफ़ी ठंडक रहेगी। तो ये मैं तीन गिलास के लिए बना रही हूँ, देखिए इतना भिगोना है। एक चम्मच में लेके छोटे छोटे टुकड़े को मैंने भिगो दिया, अब ये तीन गिलास इसका बनेगा तीन दिन के लिए, तीन लोगों के लिए। तो आप जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका तिहावा आपको भिगोना है, मैंने तीन गिलास के लिए भिगो दिया था एक बार में। तो अब क्या करेंगे, अच्छे से फूल गया है, रात भर भिगोना है। सुबह देखिए हमने शाम को भिगोया और ये सुबह इसको छान लेती हूँ, तो ये बहुत ही थोड़ा सा पानी निकलता है क्योंकि सारा पानी जो है सोख कर लेता है, पानी इसमें ज़्यादा नहीं बचता, तो हल्के से इसे छान लेना है। तो इसे आप कैसे लेंगे चलिए बताती हूँ आपको। इसे दूध के साथ सुबह सुबह, दूध जैसे कि नॉर्मल दूध होना चाहिए, ना कि गर्म हो ना ही ठंडा हो, नॉर्मल दूध गर्म करके जब हम रख देते हैं, देखिए कितना चमक रहा है। गोंद का तीरा पहले लोग यूज करते थे, ये काफ़ी लाभदायक था, इससे बीपी भी नॉर्मल रहता है, इससे ये खाने में भी ख़राब नहीं लगता है और पेट की जो गर्मी होती है, कब्ज होती है, पाइल्स होती है, इससे सारी पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। गर्मी से होने वाली सारी समस्याएँ इससे दूर हो जाती हैं। अब इसमें हम दो से तीन चम्मच डालेंगे गोंद का तीरा, एक लोगों के लिए दो से तीन चम्मच ही डालना है।
तो मैंने डबल बना लिया था, इसलिए आपको बताया था पहले भी। और इसमें धागे वाली मिश्री, आप टेस्ट को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो चीनी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। मिश्री इसका चौथाई डालें आप, बिल्कुल कम डालें। तो इसलिए देखिए, इसमें दूध हमने डाल दिया, ना ही दूध गर्म हो आपको बोला, ना ही ठंडा फ्रिज का हो, नॉर्मल दूध डालिए आपको, क्योंकि ठंडा भी होता है ये, तो ज़्यादा ठंडा यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आप लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये देखिए मेरा तैयार हो गया है रेमेडी आपके लिए, तो आप ज़रूर ट्राई करें।